गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, पांच अंकीय संख्याओं का जोड़। पांच अंकीय संख्याओं का जोड़, तो इसमें देखिए पहले हमने क्या था, चार अंकीय संख्याओं का। अब है हमारा क्लास थर्ड में आ गए आप, तो पांच अंकीय संख्याओं का जोड़ तो कैसे करेंगे, देखिए आपको बताया जा रहा है। आपका पहले क्या था, पिछले सेकंड में क्या था, चार अंक के था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की, और अब क्या हो गई है, 10,000 तक की स्थानीयमान की संख्याएं आपकी इसमें हो गई हैं। और जोड़ने का तरीका आपका वही है जो पहले आप जोड़ते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए फिर हम करते हैं कैसे करना है। 0 + 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 0 में 5 तो क्या आया, 5। 3 + 2, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, क्या आएगा, 5। 2 में 6 को जोड़ेंगे, 2 में 6 को जोड़ते तो क्या आता है मालूम है, जोड़ के देखिए अपने फिंगर पे कितना आएगा, 8, कितना, 8। 1 + 0 1, 8 + 1 क्या होगा, 9। अब प्रश्न ख है, प्रश्न ख में भी देखिए पांच अंकों की संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5। 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। 0 में 7 जोड़ेंगे, 7। 1 में 2 को जोड़ते हैं तो अगले 2 स्टेप लीजिए क्या आएगा, 1 के बाद में 2, 3। 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 8 में 1 जोड़ा तो 9। अब प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 में क्या है, जोड़ कर लिखिए, ये भी जोड़ना ही है और पांच अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन हमने प्रश्न 1 में जो किया था उसमें 2 ही संख्याएं थी, अब जो होंगी वो 3 संख्या, 1 2 3 संख्याओं को जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, 1 में 0, यहाँ 0 है तो क्या आया, 1। सबसे पहली बात, एक तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्थानीय मान के नीचे ही अपनी अंकों को लिखेंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, वरना मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप देखिए 3 + 4 + 1, 3 में 1 को जोड़ देते हैं या 3 में 4 को जोड़िए तो क्या आएगा, 3 में 4 जोड़े तो 7, और फिर 7 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 8। मतलब पहले 2 अंकों को जोड़ लो, फिर जो आंसर आए उसमें नीचे के अंकों को जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 3, 3 में 2 जोड़े तो क्या हुआ, 5। 0 2 3, 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। 6 में 2 जोड़िए, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 7 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9। प्रश्न ख, ख में देखिए 5 में 2 जोड़ा, क्योंकि नीचे तो 0 ही है, 5 में 2 जोड़ा तो क्या आया, 7। 6 में 1 जोड़ा तो 7, क्योंकि इसमें भी 0 है। फिर है 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4 और 4 8, कितने हो गए, 8। 0 3 2, 0 + 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5। 1 + 4 5, 5 और 1 6, तो आपको ये जोड़ना समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 में क्या है, क्षितिज क्रम में जोड़कर लिखिए, क्षितिज क्रम में जोड़कर लिखिए। जब हम करते हैं देखिए कैसे करना है। अब देखिए प्रश्न 3 है, क्षितिज क्रम में जोड़कर लिखिए। अभी तो हमने प्रश्न 1 और 2 में वो तो व्यवस्थित करके क्वेश्चन दिए हुए थे, अब हम इनको व्यवस्थित करेंगे। पांच अंकों की संख्या है तो पहले हम इनका स्थानीय मान लिखेंगे। स्थानीय मान क्या लिखा जाएगा, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और ये इकाई। अब क्या करना है, हमें ये 3 संख्याएं हैं इनको प्रॉपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, 1 3 0 2 8, अब दूसरी संख्या लिखनी है 2 1 7 1 0, ये तीसरी संख्या ये आपकी हो गई, और इसको आपको जोड़ना होगा। फिर प्रश्न ख, प्रश्न ख में भी देखिए, फिर हम लिखेंगे 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और ये इकाई।
फिर आप देखिए, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। आप यहाँ से लिखना शुरू कर लीजिए बोले 1 0 3 2 5। आप दूसरी संख्या लिखेंगे 2 1 1 2 1। अब तीसरी संख्या देखो, तीन अंकों की संख्या है ये, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, बस और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको व्यवस्थित करना प्रॉपर आना चाहिए। जब भी कोई अंकों की कम अंकों की संख्या है तो इकाई से शुरू करेंगे, ध्यान रखना इकाई दहाई सैकड़ा। अब आप जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ना है। 8 में 0 0 तो क्या लिखे यहाँ पर, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 2 में 1 जोड़ा तो 3 और 1 4। फिर 0 7 1 7 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 8 3 और 1 4। नीचे 0 0 है, 1 प्लस 2 कितने होते हैं, 3 3 और 3 6। ऐसे ही प्रश्न ख है, प्रश्न ख में देखिए 1 और 2 कितने होते हैं, 3 3 और 2 5। 0 1 2 1 और 2 3 3 1 2 3 और 1 4 4 और 2 6 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंक नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। मैंने खाली छोड़ रखा है, कोई जरूरत नहीं है। 2 और 2 4 फिर 5 और 1 6। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है, और आप आराम से करेंगे ना। तो ये आपके एक्सरसाइज, इसमें मैंने प्रश्न 1 1 में भी आपके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रश्न 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए क और ख, प्रश्न 3 में भी आपको क और ख करा दिए हैं। अब जो आपके प्रश्न 1 में क बचा है, ख प्रश्न 2 में भी ग बचा है, और प्रश्न 3 में ग और घ ये बचे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज पूरी अभ्यास 3.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। होमवर्क क्या है, डू एक्सरसाइज 3.1 इन योर नोटबुक। आपको ये एक्सरसाइज जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। और ये जो इसमें प्रश्न 1 और 2 जो है इसमें 3.1 में बुक में, तो बुक में भी आप इसको कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।